इस साल मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाई बिग बॉस. यूजुअली आपको तो पता ही होगा मैं बिग बॉस इतना फॉलो करती हूँ, बट इस साल मैं उतना नहीं कर पाई. तो मैं इस साल किसको फॉलो करने में मेरे को पता नहीं है, बट लेट्स सी जो भी बेस्ट है वो विन करे. थैंक यू सो मच. हैप्पी सिद्धार्थ पीछे ले मत जरा, ये इधर नहीं देखिए यहाँ पे. हाँ ऐसे भाई तुमने एकदम सटा दिया है. क्यों ना चेंज कर लेना, कैमरा टाइम नहीं मिल पा रहा है. अरे कब सोलो कर दे खोल दिया बिल्कुल. अरे यार ऐसे भी टूट जाएगा. एक पीछे आ गया सुन रखना ठीक है. कुछ ना तब तुम लोग आजाद संकल्प से भी टूट जाए ठीक है. ओके मैम थैंक यू मैम. नमस्कार जी इधर कितना ले रहे थैंक यू मोबाइल में लिया. Thank you. Thank you. साथ में साथ में आज का जो अवार्ड है उसके बारे में कुछ बताइए. कितनी एक्साइटेड है और क्या तैयारियां है, क्या माइंडसेट लेके आए हैं? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे हम लोग सब लोग मौजूद हैं, क्योंकि एक तो जनवरी है, एक नया साल शुरू हुआ है 2021 और इतने अच्छे मौके पे शुरू हो रहा है. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. और जो भी अवार्ड्स हैं आप जानते हैं, ये सिर्फ मतलब टीवी नहीं, बहुत ही अलग अलग जो भी है मतलब फिल्म मीडिया एंड यू नो सबके लिए है ये अवार्ड, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज यहाँ पे आने के लिए. और 2020 से क्या लर्निंग एक्सपीरियंस था थोड़ा सा उस बारे में बताइए, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं बहुत बुरा था, तो बुरे में से कुछ ना कुछ तो लर्निंग लेनी बहुत जरूरी है. मैं कहूँगी कि मैं ये नहीं मानती कि 2020 बुरा था, मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि 2020 हमें बहुत कुछ सिखा गया, जैसे फैमिली कितना मायने रखता है, कैसे आप कहीं नहीं गए थे सिर्फ घर पे थे हम लोग, तो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो ये मैंने सीखा 2020 से, बहुत सारी नई चीज़ें भी की घर पर बैठ के. एंड अभी फाइनली जब कोविड थोड़ा सा यू नो संभला हुआ है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए. और 2021 के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाया है? रेजोल्यूशन यही है कि मैं बहुत अच्छे से काम करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को अपने फैंस को यू नो प्राउड करना चाहती हूँ, तो नए नए इंटरेस्टिंग रोल्स करना चाहती हूँ. तो ये मेरा 2021 का रेजोल्यूशन. तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट है थोड़ा सा अगर आप अपने फैंस को बता.